رب السماوات والأرض هل تعلم له سميا, उसका तारुफ उसी की जबान, जमीन आसमान का शहंशाह रब, लॉर्ड को कहते हैं, पालने वाला भी उसका एक मतलब है, लेकिन रब का असल मतलब है लॉर्ड, मालिक, मालिक, जमीन आसमान का अकेला शहंशाह, कोई है उसके बराबर? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, कोई है उसके सिवा माबूद? कैसा? अल हय, हमेशा जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाला। कैसा? अल कय्यूम, हमेशा कायम, हमेशा कायम रहने वाला। वक्त की कैद से आजाद, जमाने की कैद से आजाद, जमानो मकान की कैद से आजाद, शक्ल और सूरत की कैद से आजाद, रंग बू की कैद से आजाद, मशरिक और मगरिब की कैद से आजाद, शिमाल और जनूब की कैद से आजाद, हर किस्म की पाबंदियों से आजाद। ताकत कैसी? ला ताखुज़ुहु सिना वला नूम, नींद से भी पाक है, ऊंग से भी पाक है। बादशाही कैसी है? मिल्क कैसी है? लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, सारी जमीन आसमान का अकेला मालिक। हैबत कैसी है? मन दल्लज़ी यश्फ़ू इंदहू इल्ला बिइज़्नि, कोई उसके सामने दम नहीं मार सकता। इल्म कैसा है? यालम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। देखो, जिसकी कुर्सी इतनी बड़ी हो वो खुद कितना बड़ा होगा, वो कुर्सी से कम मोहताज नहीं, पाक है। तो जिस रब की कुर्सी, वो कुर्सी से पाक है, बैठता नहीं है, बैठने उठने से पाक है, हरकत व सुकून से पाक है, तकदीम व तकद्दम और ताखुर से पाक है, लेकिन अपनी हैबत के लिए वस्या कुर्सीयुहु समावात वल अर्द, उसकी कुर्सी ने सातों जमीन आसमान के ऊपर साया किया हुआ। क्या जात है उसका? अर्श, अर्श के एक कोने में, सर एक कोने में, अर्श के एक कोने में, एक कोने में एक समंदर है, जिसमें जो जब एक मौज उठती है तो उसका वॉल्यूम सात जमीन आसमान के बराबर होता है। तो क्या खल्लाक है वो, कैसा बनाने वाला है? वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, थकन से पाक, वहुवल अलीश, बुलंद पस्ती से पाक, अल अज़ीम, अज़ीम, छुटपन से पाक, जहल से पाक, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अस्सरा, जमीन से लेकर आसमान तक अकेला शहंशाह, व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा, जोर से बोल मेरी तरह, या आहिस्ता बोल आपस में, या सरगोशियों में बोल कान में, या होंठ बंद करके दिल की धड़कनों से बोल, तो तेरा रब धड़कन की आवाज भी सुनता है और पस्त और बुलंद भी सुनता है। और सारी दुनिया कठी बोले, लो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व रतबकुम व याबिसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ذكركم و انثاكم, सारे मैंने गिनवाए, हदीस के मैंने गिनवाए हैं, अव्वल आखिर जिंदा मुर्दा, बूढ़े जवान, काले गोरे, मर्द औरत, छोटे बड़े, खुश्क तर, जिन इंसान, तुम सारे इकट्ठे हो जाओ, फैसा अलूनी, और सब हम अल्लाह से मांगे। अब मांगने के लिए अगर लाइन में लगे तो 20,000 साल बाद भी बारी नहीं आवनी। ठीक, मेरा रब कहता इकट्ठे मांगो, इकट्ठे, एकदम जो मांगा तो शोर, इस वक्त दुनिया में 6,010 जुबानें बोली जा रही हैं, 6,010, हजारों मिट गई, हजारों पैदा होने वाली हैं। सारी दुनिया के मर्द औरत जिन्नात अपनी जुबान में मांगे, और गूंगे बहरे भी मांगे, ये एक शोर और हंगामा होगा। मेरा रब कहता है तेरे रब का सुनना इतना कामिल है कि हर एक की, हर एक की दरख्वास्त अलग अलग सुनेगा और उसे कोई धोखा नहीं लगेगा। खतरना यस्मौ जजी जो हम बिख्तिलाफ लुगाते हैं वाला जाते हैं, वला यश्गलहु समउन अन समइन, वला युलहीहि कौलन अन कौलन, वला तुगल्लतुहु कसरतुल मसाइल, तुम सब का इकट्ठे बोलना उसे गलती में नहीं डालता,
से परेशान नहीं करता, वो ये नहीं कहता इकट्ठे ही बोलना शुरू कर दिया। एक माँ के दो बच्चे इकट्ठे बोले तो उनकी पिटाई शुरू कर देती हो, एक एक तब बोलो इकट्ठे शुरू हो गए हो। और मेरा रब कहता है तुम कुल कायनात इकट्ठी बोलो तो तेरा रब सुनने में इतनी ताकत रखता है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतन इल्ला हुवा राबिहुम, तीन ने कुंडी लगाई कोई नहीं वेखण आला, अल्लाह ने आवाज लगाई चौथा मैं हूं। वला खमसतन, पांच ने पर्दे गिराए कोई नहीं है हमारे साथ, अल्लाह ने ऐलान किया इल्ला हुवा सादिसुहुम, छठा मैं तेरे साथ हूं। वला अदना मिन ज़ालिक, एक हो जाओ या दस हो जाओ, वला अक्सर इल्ला हुवा माअहुम, तेरा रब तेरे साथ है। युमसिकुस समावात वल अर्द अन तज़ूला, जमीन आसमान को थामे हुए है। युख्शी लैलन नहार, दिन और रात के निजाम को चला रहा है। अश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़रातन बे अम्रे, चांद सूरज सितारों सयारों पर हावी है और इस सारे निजाम को चलाने में ना वो गलती खाता है, ना किसी से मशवरा लेता है, ना उसका कोई मुशीर है, ना उसको कोई वजीर है, वो हर किस्म के ऐब कमी से पाक। अल्लाह, भाइयों मेरे अजीजो बच्चों, अल्लाह को तो जान, हमारे मुआशरे में तो अल्लाह कहते नहीं खुदा कहते हैं। मैं अपने हर बयान में शोर बचा रहा हूं, अरे भाई अल्लाह कहना तो सीखो, भी तुम खुदा कहते हो, खुदा कहना कोई मना नहीं, फारसी का लफ्ज है लेकिन इंसान का बनाया हुआ लफ्ज है। खुद आ, खुद आ दो लफ्जों से बना है जिसे किसी ने ना बनाया हो, और अल्लाह क्या है, तमाम सिफात पर हावी लफ्ज है अल्लाह, चूंकि उसने खुद अपना नाम हम तजवीज करके दिया अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह नूर السماوات والارض, अल्लाह الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها, अल्लाह الذي يبدا الخلق ثم يعيده, अल्लाह الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن, هو الله الذي لا اله الا هو, هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। खुदा ना कहा करो, अल्लाह कहा करो, अल्लाह कहा करो, कहो अल्लाह, फिर कहो अल्लाह, अरे जोर से कहो, आज के बाद खुदा ना कहना अल्लाह कहना, कि लफ्ज़ अल्लाह में जो नूर है वो खुदा में नहीं है। फिर लफ्ज़ अल्लाह में एक खास चीज है जो कायनात के किसी लफ्ज में नहीं, ग्रामर के लिहाज, तरकीब के लिहाज, वैसे तो मैंने क्या कुछ है, एक ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी लफ्ज में नहीं। किसी लफ्ज से हर्फ निकाल दो, हर्फ निकाल दो तो उसका मतलब बदल जाता है, एक निकालो या दो निकालो उसका मतलब वो हिल जाता है, वो लफ्ज सारा, खुदा ही ले लो खुदा, इसका आप खा निकाल दो, खा खा निकल जाए पीछे बचेगा दा, और दा उर्दू फारसी में कोई लफ्ज नहीं, पश्तो में है, पठान कहते हैं दादे दादे दादे, ठीक है, उसका दाल निकाल दो तो पीछे बचता है खा, और खा भी उर्दू पंजाबी में कोई नहीं, वो भी पश्तो है, वो पठान कहते हैं खा 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 खा, ठीक, उसका अलिफ निकाल दो तो वो खद बन जाता है खद, तो खद इसको कहते हैं, ये जगह को अरबी में खद कहते हैं। तो मैंने सिर्फ लफ्ज खुदा में आपको अप्लाई करके बताया कि जब हर्फ निकलता है तो मतलब कैसे बदल, जमील खूबसूरत, जीम हटा दो मैल बन गया या मील बन गया, मीम हटा दो जेल बन गया या जील, जील अरबी में नस्ल को कहते हैं, और या हटा दो तो जमल बन गया या जुमल बन गया, जमल ऊंट को कहते हैं। किस तरह मतलब बदला है एक हर्फ के निकालने से, अल्लाह अल्लाह अलिफ लाम लाम हा, ये मैंने अलिफ हटा दिया तो इसको झोलना चाहिए, मतलब दाएं बाएं होना चाहिए, ये अब पीछे खड़ा हुआ है लिल्ला, तो मेरा रब कुरान में कहता है लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द। अब देखें अलिफ के निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अब ये लाम गया पीछे बच गया लहू, तो कुरान कहता है लहू माफिस समावत व माफिल अर्द, ठीक, अब ये लाम गया आखिरी लाम, तो पीछे बच गया इलाहा,
तो कुरान कहता है वह वल्लज़ी फिस्समा इलाहुन व फिल अर्ज़ इलाहा। और इससे भी अजब, ये अलिफ भी गया, ये लाम भी गया, ये लाम भी गया, पीछे बचिया की हा की पेश, सिर्फ पेश की आवाज बची, हा हा। तो जब हमने कुरान देखा तो कुरान ने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। जब आपने हा को बाकी रखा तो भी इशारा अल्लाह की तरफ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। जब आपने अलिफ और लाम निकाला तो पीछे लहू बचा, तो अल्लाह ने कहा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जब आपने अलिफ निकाला तो पीछे बचा लिल्ला, तो कुरान ने कहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। जब आखिरी लाम निकाला तो बचा इलाह पहला लाम, तो अल्लाह ताला ने कहा वहुवल्लज़ी फिस समाए इलाहुन व फिल अर्द इलाह। तो हु कहो तो अल्लाह, लहू कहो तो अल्लाह, इलाह कहो तो अल्लाह, और लिल्ला कहो तो अल्लाह, और अल्लाह तो है ही अल्लाह है। कितना फर्क है खुदा और अल्लाह में। तो मेरे अजीजो, अब बड़ों से भी, आपके उस्तादों से भी, बच्चियों से भी, आपसे भी कहता हूँ, अल्लाह कहने की आदत डालो और अल्लाह के वास्ते अल्लाह को पहचानो, तब जाके उसके अमर को पहचानोगे वो कौन है क्या कहता है।